वाइज इस लॉकडाउन में आपको कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप बहुत ही टेस्टी सा ये चुरमुरा बना सकते हो। तो हमने लाई ले लिया है, थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा सादा नमक, नींबू, प्याज और कटे हुए धनिया और नमक, सारे चीज़ों को हमने लिया, थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करेंगे। हमने दो कटोरी तक लाई को ले लिया था और थोड़ा सा इसमें हम टमाटर को ऐड करेंगे। कटा हुआ टमाटर आपको डालना है छोटे छोटे पीसों में और प्याज फिर डालना है। और प्याज डालने के बाद आपको थोड़ा सा हरी धनिया डाल देना है। फिर उसके बाद हरी धनिया डालने के बाद आपको थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और फिर उसके बाद आप देख सकते हो आपको थोड़ा सा काला नमक डाल देना है। काला नमक डालने के बाद आपको थोड़ा सा सादा नमक भी ऐड कर देना है और फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा ऑयल डाल देना है और ऑयल डालने के बाद आपको थोड़ा सा सिरका डाल देना है इसमें। और सारी चीज़ों को आपको डाल करके तो आप देख सकते हो थोड़ा सा नींबू भी हम इसके अंदर डाल देंगे। नींबू का रस निकाल करके नींबू का रस इसमें मिला देंगे तो ये बहुत ही चटपटा और टेस्टी सा नाश्ता हो जाता है जो कि सभी को पसंद आता है। ये चुरमुरा या आप बोल लीजिए भेलपुरी, तो आप इसे अच्छी तरीके से मिला लोगे इस तरीके से। और ये हल्का सा नाश्ता है लेकिन सभी को पसंद आता है। इसे आप जितना तीखा करना चाहें उतना तीखा बना सकते हो। तो आप देख सकते हो हमारा चुरमुरा बन करके तैयार है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी बनाओ और बताना कि हमारी रेसिपी कैसी लगी।